अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा अपने सेल्स को किस तरीके से बढ़ाएं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा अपनी सेल्स को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको यहां मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा आप अपनी सेल्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मेरे को किसी ने पर्सनल पूछा था, पर्सनल कमेंट करके ये कहा था कि सर आप हमारे व्यापार में थोड़ा सा ग्रोथ कम हो गया है तो इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाइए, हमारा सेल्स किस तरीके से बढ़ेगा, कुछ हमें क्या करना होगा, कुछ टिप्स दीजिए आप। तो उन लोगों के लिए आज यह वीडियो स्पेशल शूट किया जा रहा है और इसके माध्यम से हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम है उसको अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा हैंडल कर सकते हैं, उसका 100% सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा हम अपनी सेल्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हो, आप अपनी सेल को 4 गुना कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनल काउंसलिंग सेशन में लोग मेरे को पूछते हैं कि सर अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, क्या आप मेरा इसमें मदद करोगे? तो सेशन में मैं सभी लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि आप कर सकते हैं। कहते हैं हमें थोड़ा संशय है। तो ये संशय अगर जब तक आप रखोगे तब तक ये टारगेट आपका अचीव नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने संशय को ख़त्म करना होगा, अपने लिए टारगेट सेट करना होगा, अपने संशय को ख़त्म करना होगा। यदि संशय ख़त्म नहीं हो रहा तो हम बैठे हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट बनाना होगा, उसके बाद टारगेट को जब आप बना लेते हो तो उसके बाद में आपके मन में कुछ संशय होंगे, उन संशय को आपको क्लियर करना होगा। और जब वह संशय आपके क्लियर हो जाते हैं फिर आपको उस टारगेट को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने की, अपनी सेल्स को बढ़ाने की। तो जब इसका पर्सनल सेशन आपको दिया जाता है तो उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपको अपने अवचेतन मन को क्या कमांड देना है। जो आप कमांड अवचेतन मन को देते हो फिर वह अवचेतन मन उसके ऊपर काम करता है। तो आपको अपने अवचेतन मन को वह टाइमिंग बताना होगा, बहुत सारी चीज़ आपको डिज़ाइन करके देनी होगी। इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर आप इसमें थोड़ा और समझोगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार एक कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूर नॉलेज। इस चीज़ को समझना होगा कि आपकी इमेजिनेशन पावर क्या है। आप अपने धंधे के बारे में, आप अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो, आप उसको किस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आपने इसके लिए क्या टारगेट रखा हुआ है और किस तरीके से रखा हुआ है, तो वही चीज आपको उसमें आगे लेके जाती है। क्योंकि जो आपने उसके लिए जो रास्ता बनाया है वह आपको बनाना होगा, बाकी का काम अपने आप होगा। तो आपको इसके लिए एक तय रास्ता बनाना होगा कि ये इस तरीके से ये होगा। यदि आप अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर में इस चीज़ को पूरा इस तरीके से डेवलप कर लेते हो तो फिर इस चीज़ को आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास अपने आंकड़े लिखित में होने चाहिए कि मुझे इस महीने में ये करना है या ये करना है। या फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे सेल्समैन मैंने देखे हैं जो काउंसलिंग सेशन में आते हैं तो वो बोलते हैं कि इस महीने का हमारा टारगेट है कि मुझे 2.5 लाख का सेल करना है या 5.5 लाख का सेल करना है, जिसमें से मेरा इतना पे आउट रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। यानी कि उनके पास ओवरऑल एक चार्ट बना हुआ है इस चीज़ का, उनके पास ओवरऑल एक टारगेट है और वही टारगेट आपके पास में होना चाहिए और लिखित में होना चाहिए। क्योंकि लिखित में जो चीज़ होती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बोली हुई चीज़ का इतना महत्व नहीं होता जितना लिखी हुई चीज़ का होता है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को लिखना होगा कि आपको सेल कितना करना है, फिर उसके नीचे लिखना होगा कैसे करना है, कौन आपके कस्टमर आने वाले हैं, कौन कैसा है। फिर जो सारी स्क्रिप्ट तैयार होती है उस स्क्रिप्ट को अवचेतन मन को सौंपना है। अवचेतन मन को आपको यह स्क्रिप्ट रात को सोने से 15 मिनट पहले सुना देना है और वह सोने से पहले इसके ऊपर काम करेगा। और जितनी आपने इसके लिए तारीख तय करके रखी हुई है कि इतने दिन में मेरा ये टारगेट है या मैं ये करना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगोगे।
तो आपके अवचेतन मन को लिखित रूप में स्क्रिप्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने अवचेतन मन को लिखित रूप से स्क्रिप्ट दे देते हो, उसके बाद में चाहे आपका कितना बड़ा कोई भी काम हो, वह उसको पूरा करके देता है। इसके लिए MMM मेथड भी रहता है, विजुलाइजेशन टेक्निक भी रहती है, एफर्मेशन टेक्निक भी रहती है, और डायरेक्ट हिप्नोसिस के द्वारा भी इसको हम करवाते हैं। तो इन चार पांच जो बेसिक ये टेक्निक्स हैं, इनके माध्यम से आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश करना सीख सकते हो। तो यदि आप भी अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपकी इसमें मदद की जाएगी। इस वीडियो सेशन में इतना ही। धन्यवाद।